दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत रहम दिल और दूसरों की मदद करती थी। जंगल के सारे पंछी टोनी चिड़िया की रहम दिली के किस्से सुनाया करते थे। टोनी चिड़िया जंगल के सारे पंछियों को अपना दोस्त समझती थी और उसको पूरा यकीन था कि अगर कभी उस पे बुरा वक्त आया तो जंगल के सारे पंछी उसकी मदद जरूर करेंगे। जैसे वो जंगल के सारे पंछियों की मदद करती है, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है और बहुत ठंड भी पड़ जाती है। इतनी बारिशों में टोनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। बच्चों, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से मुझे बुखार भी बहुत तेज हो गया है। मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। घर में आटा होता तो मैं आप दोनों को रोटियां ही बना देती। मामा, आप परेशान ना हो, हम दोनों ने खिचड़ी खा ली थी। अब सुबह तक बारिश भी रुक जाएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अभी आप आराम करें। सारी रात बारिश होती रही और जंगल में बहुत ठंड पड़ जाती है। फिर जैसे ही बारिश रुकती है तो टोनी चिड़िया को अपने बच्चों की फिक्र हो जाती है। घर में खाने को कुछ ना था। टोनी चिड़िया को भी बहुत तेज बुखार था, उसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी और उसे अपने बच्चों की भी बहुत फिक्र थी। टोनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, बारिश रुक गई है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। आप दोनों एक काम करो, हरियाली आंटी के पास जाओ और उनसे थोड़ा आटा ले आओ। मैं आप दोनों को रोटियां बनाकर दे दूंगी। टोनी चिड़िया के कहते ही दोनों बच्चे हरियाली तोती के पास जाते हैं। आंटी, हमें मामा ने आपके पास भेजा है, उनकी तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है, इस वजह से वो जंगल दाना लेने भी नहीं जा सकी। मामा ने कहा है कि हम आपसे थोड़ा सा आटा उधार ले आएं। जब मामा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो आपका आटा आपको वापस कर देंगी। बच्चों, मेरे पास तो खुद थोड़ा ही आटा है, मैं आज दाना लेने जंगल गई ही नहीं। दरअसल मेरी भी तबीयत आज ठीक नहीं थी, घर में थोड़ा ही आटा है, ज्यादा होता तो मैं आप दोनों को जरूर देती। आंटी, आप तो कह रही थी जब भी हमें आपकी ज़रूरत हो तो हम आपके घर आ जाएं, और आपने तो हमारे मुंह पर साफ साफ मना कर दिया। मेरी मम्मा कहती हैं हमेशा दूसरों की मदद करो, मेरी मम्मा ने भी तो आपकी मदद की होगी। हरियाली तोती बच्चों की बात सुनकर अनसुनी कर देती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। दोनों बच्चे खाली हाथ ही घर आ जाते हैं। बच्चों, ले आए आप दाना, देखा मैं ना कहती थी, जंगल के सारे पंछी मेरी मदद जरूर करेंगे। मामा, हरियाली आंटी ने आटा देने से साफ मना कर दिया, वो कह रही थी घर में आटा थोड़ा है तो कल वो रोटियां बनाएंगी। मामा, अगर आज का खाना बन गया था तो हमें कल के आटे में से थोड़ा आटा दे देती तो क्या जाता। आपने भी तो उनकी मदद की थी, लेकिन उन्होंने हमारे मुँह पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। हाँ बच्चों, बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। आप दोनों एक काम करो, आप गौरी आंटी के घर चले जाओ और उनसे कहना मम्मा ने भेजा है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। अपनी मामा के कहने पर दोनों बच्चे गौरी कवि के पास जाते हैं। जब वो गौरी कवि के घर जाते हैं तो गौरी कवि चावल बना रही थी। चावल की खुशबू से दोनों बच्चों की भूख और बढ़ जाती है। आंटी, हमें मम्मा ने भेजा है, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप हमें थोड़ा आटा दे दो। मम्मा की तबीयत जैसे ही ठीक होगी हम आपका आटा आपको दे देंगे। बच्चों, आटा तो आज मेरे घर में भी नहीं है, इस वजह से मैंने आज चावल बनाए हैं। आटा होता तो मैं आप दोनों को जरूर देती। आंटी, आटा नहीं है तो क्या हुआ, आपने जो चावल बनाए हैं वो ही थोड़े हमारे बर्तन में डाल दें। ना ना बच्चों, ये चावल बहुत मिर्चों वाले हैं, आप खाओगे तो आपका मुंह जल जाएगा,
मैंने तो अपने राजू से भी कह दिया कि वो आज डबल रोटी पे ही गुजारा करे, आप जाओ किसी और से मांग लो। आंटी, हम आपसे भीख तो नहीं मांग रहे, मदद ही तो मांग रहे हैं। कभी हमारी मामा ने भी तो आपकी मदद की होगी। बच्चों, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपकी मदद जरूर करती, लेकिन मैं क्या करूँ, आटा बिल्कुल भी नहीं है घर में, और ये चावल सच में बहुत मिर्चों वाले हैं, बच्चों के खाने के लायक नहीं है ये चावल। ये सुनकर दोनों बहन भाई वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, आटा तो बहुत सारा पड़ा था घर में, फिर तुमने मना क्यों किया? कालू, आटा तो है मगर मौसम बहुत खराब है, ऐसे मौसम में कौन करेगा इस चिड़िया की मदद, मैं भी देखती हूँ। वैसे चिड़िया के बच्चे हैं बहुत तेज, देखा था कैसी बातें कर रहे थे। हाँ, मुझे शर्मिंदा कर रहे थे, मैं भला कहाँ शर्मिंदा होने वाली। दोनों बच्चे नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं, वो दोनों बहुत परेशान थे। अब वो करें तो क्या करें, दोनों बच्चे भूखे थे और टोनी चिड़िया भी भूखी थी। गुनगुन, इस मुश्किल वक्त में कोई भी पंछी हमारी मदद नहीं करने वाला, हमें किसान के खेत में जाना चाहिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। फिर दोनों बहन भाई किसान के खेत में जाते हैं। किसान अपने खेत में खाना खाने ही जा रहा था। चिड़िया के बच्चों, आप यहाँ पर कैसे आए, और टोनी चिड़िया कहाँ है, 3-4 दिन से वो मेरे खेत में नहीं आ रही। अंकल, हमारी मामा की तबीयत बहुत खराब है, वो बीमार है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हमने सब पंछियों से मदद मांगी लेकिन किसी भी पंछी ने हमारी मदद नहीं की। आप हमें थोड़े चावल के दाने दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जब मम्मा ठीक हो जाएंगी तो आपको आपके चावल के दाने वापस कर देंगी। बच्चों की बातें सुनकर किसान हंसने लगता है। बच्चों, आपकी मामा बहुत अच्छी हैं और आप दोनों बहुत मासूम हो, मैं आप दोनों को चावल के दाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं आप दोनों को बना हुआ खाना दूंगा, आप दोनों ये खाना ले जाओ और अपनी मामा से कहना खाने की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप दोनों यहाँ से तब तक खाना लेकर जाओ तब तक टोनी चिड़िया ठीक नहीं हो जाती, अब ये खाना आप भी खाओ और अपनी मामा को भी खिलाओ, मेरी तरफ से टोनी चिड़िया की तबीयत का जरूर पूछना। किसान का दिया हुआ खाना लेकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और किसान से वो खाना लेकर अपने घर आ जाते हैं। देखा बच्चों, मैं ना कहती थी जंगल के पंछी मेरी मदद जरूर करेंगे, तुम गोरी से आटा लेने गए थे और गोरी ने मजेदार पराठे ही बनाकर दे दिए। टोनी चिड़िया की बात सुनकर दोनों बच्चे चुप थे। फिर तीनों किसान का दिया हुआ खाना खाते हैं। सुबह तक टोनी चिड़िया की तबीयत भी ठीक हो जाती है। फिर सोनू चिड़ा अपनी मामा को सारी बात बता देता है। मामा, कल आपने जो पराठे खाए थे वो गोरी आंटी ने नहीं दिए थे, बल्कि वो पराठे तो हमें किसान अंकल ने दिए थे। गोरी आंटी के घर तो चावल बन रहे थे, मामा उन्होंने हमें चावल देने से मना कर दिया और कहने लगी तुम किसी और से मांग लो, वो हमें भिखारी समझ रही थी। और कालू अंकल हम पर हंस रहे थे, उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की। फिर हम किसान अंकल के पास गए और उन्होंने हमें आपके लिए पराठे भेजे। ये बात सुनकर टोनी चिड़िया दुखी हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है। बच्चों, मैं भूल गई थी, मैं तो सबको अपना दोस्त मानती थी, लेकिन किसी ने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद नहीं की। लूसी कबूतरी ठीक ही कहती थी, मैं ही पागल थी जो जंगल के पंछियों को अपना दोस्त मान बैठी, मेरे मुश्किल वक्त में किसी ने भी मेरा हाल तक न पूछा। टोनी चिड़िया रो रही थी। मैं कितनी गलत थी, आज मुझे मालूम हो गया, अच्छे और सच्चे दोस्तों का पता मुश्किल वक्त में ही चलता है, जरूरी नहीं आपको नेकी का सिला नेकी से ही मिले। लूसी कबूतरी ठीक ही कहती थी, मैं ही गलत थी।
मामा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके काम आए, और माँ से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। मेरा तो यही मानना है। जब आप बीमार थी तो हमारा कोई भी नहीं था, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। आप हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को गले लगाकर रो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका शुक्रिया।